हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एलपीजी टर्मिनल के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सायरन। तो सायरन तो आपको पता है कि जब कभी कहीं आग लग जाती है तो वो सेंसर के कारण डिटेक्ट हो जाती है और वहाँ पे सायरन बज जाता है। ठीक है, तो हम डिफरेंट तरीके के सायरन होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है स्मॉल फायर। जब स्मॉल फायर लगती है तो किसी भी तरीके का वहाँ पर सायरन नहीं बजता। ठीक है, फिर दूसरा होता है मेजर फायर और इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी होती है या फिर मेजर फायर होता है तो सायरन बजता है 2 मिनट का। ठीक है, उसमें से 30 सेकंड वो हाई जाता है और 15 सेकंड वो बंद रहता है। तो कैसे, जैसे कि सबसे पहले ऊपर जाएगा सायरन, बजेगा जोर से, बजेगा 30 सेकंड के लिए, फिर 15 सेकंड वो बंद रहेगा, फिर से वो 30 सेकंड के लिए चालू होगा, फिर 15 सेकंड के लिए बंद, फिर 30 सेकंड के लिए चालू, 50 सेकंड के लिए बंद। तो ऐसे ही वो सायरन बजेगा 2 मिनट के लिए जब मेजर फायर होगी। ठीक है, फिर होता है डिजास्टर। तो डिजास्टर में भी वही होता है, सेम होता है जैसा मेजर फायर में होता है, वैसे ही 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा, 30 सेकंड के लिए वो बजेगा, फिर 15 सेकंड बंद हो जाएगा, फिर 30 सेकंड बजेगा, 15 सेकंड बंद, ऐसे ही वो 2 मिनट करेगा। ठीक है, फिर होता है ऑल क्लियर। अब ऑल क्लियर का जो सायरन होता है वो थोड़ा अलग रहता है, वो स्ट्रेट बजता है, वो बीच में बंद नहीं होता, वो 2 मिनट कंटिन्यूस बजेगा जिससे पता चले कि अभी कोई खतरा नहीं है, सब नॉर्मल हो गया है। ठीक है, फिर होता है टेस्ट सायरन। अब टेस्ट सायरन होता है वो 2 मिनट के लिए बजता है। ठीक है, जैसे ही ऑल क्लियर का सायरन होता है वैसे ही ये भी 2 मिनट के लिए बजेगा टेस्ट सायरन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।